छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संविदा कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार से नियमितीकरण और 62 साल तक जॉब की गारंटी की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार को चुनाव से पूर्व किए गए 36 वायदों में शामिल संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को याद दिलाया और मांग पूरा नहीं होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी दी है। सरकार को 4 साल से अधिक हो गए हैं, फिर भी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसे लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों के बताए अनुसार जिले में 8 तारीख तक हड़ताल के बाद 10 जुलाई से राज्य स्तरीय हड़ताल रायपुर में किया जाएगा। हम सब कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। हम सब हमारी मांगे पूरी करो। थैंक यू। बहुत ही सम्मानित हमारे लेटर कर चुके हैं, यहाँ तक कि हमने पद यात्रा करी, अभी सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन मंच पे आदरणीय कमलेश जांगड़े जी का हार्दिक स्वागत है। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमको बड़े पदाधिकारी मंत्रीगण हमारे मंच पे आए और हमसे सहयोग करने का निवेदन किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जब भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक तो हम उनको जन घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं, साथ ही शामिल ही नहीं कर रहे हैं, जब सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर में संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। उनके इसी वादे पर प्रदेश के हजारों जो संविदा कर्मचारी उनके परिवार के लोगों ने इस सरकार को सहयोग प्रदान किया और इस सरकार की भारी बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी। परंतु छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत की सरकार इनकी बन गई, नियमित सरकार बन गई, परंतु संविदा कर्मचारियों के जो वादे थे उनको उन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दिया लगातार। और हमें नियमितीकरण करें, हमें बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहना पड़ता है, संविदा नौकरी में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हम पर है अनिश्चितकालीन पर है, जब तक हमारी एक सूत्री मांग नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल पर डटे रहेंगे।